अस्सलाम वालेकुम, हमें ये नंबर एफडी में, एजाज़ भाई का नंबर एफडी में मिला है। हमें लोगों ने बताया एजाज़ भाई के लिए अल्लाह के बंदे फाउंडेशन, हमें उनसे मदद चाहिए, हेल्प चाहिए। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी वीडियो एजाज़ भाई तक पहुंचाए। हम बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हम नहीं बता सकते आप लोगों को कितना परेशान है। मेरी कोई मदद नहीं कर रहा, मेरा ये छोटा सा बेटा है, हमें इसको पढ़ाना भी है और मेरा रहने का कोई ठिकाना नहीं है। हम जहाँ रहते हैं हम रेंट पे रहते हैं, हम वहाँ का किराया तक नहीं दे पा रहे। हम बिल्कुल बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप लोग से कैसे बताएं। प्लीज़ ये मेरा मैसेज एजाज़ भाई तक पहुँचाइए। हमें अभी पे एजाज़ भाई का नंबर मिला है, उनके नंबर हमने आप लोगों को कॉन्टेक्ट किया है। हम चाहते हैं कि एजाज़ भाई के जितने अल्लाह के बंदे फाउंडेशन टीम है उन लोगों से हेल्प चाहते हैं। मेरे बच्चे के लिए हेल्प चाहते हैं, मेरे बच्चे को पढ़ा दे, उसको मेरा छोटा सा बेटा भी उसको पढ़ा रहे। हम बहुत थक चुके हैं, हमने 3 साल से परेशानी झेली है, अब नहीं झेल पा रहे, बहुत ज़्यादा परेशान है। मेरी कोई मदद नहीं कर रहे, जिससे मदद मांगते हैं वो गंदी बात बोलता है, गंदे अल्फाज बोलता है। गेम जब मदद करेंगे जब कैसे बताए आप लोग से, हम आप लोग के हाथ जोड़े, हमें रहने के लिए कोई तो जरिया बताइए, हम कैसे रहे। हम गलत नहीं कर सकते, कुछ भी गलत नहीं कर सकते। अपने बच्चे के लिए लोग अपने बच्चे का वास्ता देते कि तुम्हारा छोटा बच्चा है, ऐसे कैसे रहोगी, ये करो तो तुम्हारे बच्चे के लिए हेल्प करेंगे, या मेरे साथ लो तो तुम्हारे बच्चे के लिए हेल्प करेंगे। हमारे ससुराल वाले भी हमको खर्चा नहीं दे रहे, और वहाँ कोर्ट वाले भी हमसे पैसे मांगते हैं कि केस जब लड़ेंगे, जब आप हमको पैसे देंगे तब केस लड़ेंगे। आप लोग मेरी मदद करिए, आप लोग मदद करिए, आप प्लीज ये मैसेज एजाज़ भाई तक पहुंचाइए, जिससे हो सके उससे पहुंचाइए ये मैसेज एजाज़ भाई तक। मेरा ये मैसेज पहुंचा दिए, वो हमारी जरूर मदद करेंगे, और हम आप लोग से भी चाहते हैं आप लोग मेरी मदद करिए, मेरे बच्चे के लिए मदद करिए, हमें रहने के लिए घर दीजिए, मेरे पास रहने के लिए भी कुछ रहने के लिए भी कोई ठिकाना नहीं है। हम कहाँ